ये वीडियो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही है। तो तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने यहाँ पे पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस टेबल के अंदर मैंने इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस एक तरह से दिखाए हुए हैं, जो बहुत कॉमन डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ दिखाए हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती है, कोलेन्काइमा की सेल्स भी लिविंग होती है, केवल स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स जो होंगी वो डेड होंगी। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिपोजिशन नहीं होती किसी भी केमिकल सब्सटेंस की। कोलेन्काइमा की सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, कॉर्नर्स पे थिक होती है। वो थिक इसलिए होती है क्योंकि पेक्टिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस वहां पे डिपोजिटेड होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल भी थिक होती है, वहां पे कंप्लीट थिकनेस होती है, यानी पूरी की पूरी सेल वॉल थिक होती है। यहाँ पे थिकनिंग केवल कॉर्नर्स पे होती है और यहाँ पे कंप्लीट सेल वॉल थिक होती है। ये थिकनिंग होती है लिग्निन नाम के केमिकल सब्सटेंस की डिपोजिशन की वजह से। जहां भी लिग्निन नाम आपको दिखाई देगा पूरे चैप्टर के अंदर, यानी लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर के लिए इंपरमिएबल होता है और वाटर की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है, तो लिग्निन की डिपोजिशन किसी भी टिश्यू को डेड बना देती है। इंटरसेल्युलर स्पेसिस जो होते हैं पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोलेन्काइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस टोटली एब्सेंट होते हैं। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को सिंथेसाइज करना भी और फूड को स्टोर करना भी। कोलेन्काइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट को और कुछ हद तक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना। स्क्लेरेन्काइमा का काम मेनली होता है प्लांट को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। इन डायग्राम्स से आप समझिए, अब यहाँ पे ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, देखिए सेल वॉल बिल्कुल थिन है और सेल्स के बीच बीच में आपको इस तरह से स्पेस दिखाई देंगे, ठीक है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस हैं। यहाँ पे कोलेन्काइमा में देखिए सेल्स के बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, और ये कॉर्नर्स पे जो ये आपको थोड़े थोड़े ठीक ठीक रीजंस नजर आ रहे हैं, ये पेक्टिन नाम का केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे डिपोजिटेड है। और स्क्लेरेन्काइमा की सेल देखिए आप, इंटरसेल्युलर स्पेसिस टोटली एब्सेंट है, और ये जो ये डार्क रीजंस मैंने दिखाए हैं, ठीक रीजंस जो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ये है लिग्निन नाम के केमिकल सब्सटेंस की डिपोजिशन। तो इस तरीके से ये तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज में मैंने आपको डिफरेंसेस यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे बहुत इजीली ये क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से सेल्स नजर आती हैं पैरेन्काइमा की, कोलेन्काइमा की और स्क्लेरेन्काइमा की। आप हमेशा याद रखिए इस पूरे टॉपिक में से सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने जो ये आपको बताया है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो पैरेन्काइमा की मॉडिफाइड फॉर्म क्लोरेन्काइमा, दूसरा पैरेन्काइमा को स्पॉन्जी टिश्यू क्यों कहते हैं, एरेन्काइमा पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जो बेंड हो जाते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते वो कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं। ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं। डाइकोट्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और मोनोकोट्स की कौन सा टिश्यू है जो मोनोकोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, तो कोलेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि कौन सा टिश्यू है जो फ्रूट्स को ग्रिटीनेस प्रोवाइड करता है, स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। कोकोनट हस्क में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसके अलावा एप्पल, पियर और गुआवा के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये सारे जूट, हेम्प में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है जो कि उसको नॉन लिविंग या डेड बना देता है, तो लिग्निन। और कोलेन्काइमा में कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है सेल्स के कॉर्नर्स पे, तो वो पेक्टिन होता है। और कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिटेड नहीं होता है, और इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं वो पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।